एक ये निश्चय कर लो कि मुझे जो भी ये अस्तित्व दिखता है, जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है, इस दृष्ट के पीछे वही अदृष्ट है, व्यक्त के पीछे वही अव्यक्त है, मूर्त के पीछे वही अमूर्त है, वही सगुण साकार वही निर्गुण निराकार, वह मूर्त वही अमूर्त, वही प्रत्यक्ष वही परोक्ष, सब कुछ वही है, तू ही तू, तू ही तू। हर समय इस भाव का अभ्यास करना, और यदि यह अभ्यास दृढ़ हो जाएगा ना, तो फिर मां में मां नहीं दिखेगी, मां तो है यह एक सशरीर उस जगत माता की अभिव्यक्ति है, मां में फिर जगत माता दिखेगी। और मैं सच कहता हूं, इनका दिमाग भाइयों का इतना तेज है, ये अजय अतुल टोनी, लेकिन जब ये मां को देखते हैं ना, तो मां नहीं दिखती, मां में इनको भगवान दिखता है, और जो मां कहती है वही सब भाई करते हैं। ये है भगवान भागवत दृष्टि उपलब्ध होने का फल। फिर मां आपके लिए मां नहीं रह जाती, फिर वो भगवान का स्वरूप बन जाती है आपके लिए। फिर पिता पिता नहीं रह जाता, वो जगत पिता हो जाता है। तो मां आपको जगत माता दिखेगी, फिर पिता जगत पिता दिखेंगे, गुरु आपको जगत गुरु दिखेंगे, फिर सखा में सन्नो मित्र संवरण सन्नो भवत पर्यम, फिर सखा में वो परम सखा दिखेंगे। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध है। क्या कहा बोलो, सब संबंधों में, जोर से बोलो, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब सुखों में ब्रह्म सुख, सब सुखों में ब्रह्म सुख, सब संपदा में ब्रह्म संपदा, दैवी संपदा ही यही दिखता है हमको, तो भैया यही दिखने लग गया। अब दुनिया को तो हमें भी कुछ और ही दिखता है, वो उनकी जाने, लेकिन हमने बचपन से इस तत्व का अभ्यास किया। ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अदश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वं इदं अरिष्ठं ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाहमाग्रदः कस्य सिद्धनम् सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान की सिवा और है क्या? इस भाव को दृढ़ बनाओ, तभी पूज्य महाराज जी की कथा सुनने का पूरा फल मिलेगा, नहीं तो इधर से कथा सुनी और बाहर जाते ही कोई व्यथा पीछे पड़ जाएगी। और कोई पता नहीं कहां आदमी का मन उलझ जाए, उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी है फुआरे हैं ये सावन की, फुआरे सूख जाती हैं फुआरों का भरोसा क्या, तू संबल ओम का लेकर परम प्रभु की शरण लेकर सदगुरु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या, फिर भैया जेल में मिलेगा, फिर कहीं और कहीं मिलेगा, पता नहीं कहां आंधी उड़ा के लेके जाएगी। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। जंगल में बहुत सुंदर सा फूल खिला हो, कोई उसका मालिक ना हो, तो तोड़ने का मन कर जाता है अच्छे अच्छों का। और आप आजकल जैसे आम का सीजन है, हापुस आम है, दशहरी है, बिलंगड़ा आएगा, चौसा आएगा, बीहड़ जंगल में सुंदर फल लगाओ तो आदमी कहते हैं तोड़ लो खा लो, पका हुआ फल है, सब मेरे लिए तो बना है भगवान ने। और बीहड़ में चल रहे हो और ठोकर लगी हो, और ठोकर लग करके और नीचे से पता लगा कि कोई 5-10 करोड़ का हार निकल गया, अरे बोलिए तो मिट्टी में मिला है, मेरी किस्मत है, उठा के आदमी चलता बनेगा। मैं खड़ा इसलिए हो गया, वो ये बहुत खतरनाक बात है, जो देखो वही कहीं ना कहीं बहक रहा है।
पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांतिकांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। अगली बात बड़ी गहरी है। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। जिसकी मां पतिव्रता है, पिता जिसका धार्मिक है और गुरु जिसका महायोगी है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। बाकी तो हर कदम पर संकट है, कदम कदम पर फिसलन है। जिंदगी की राह कांटों भरी है, आसान नहीं है। और ये अंगूरी माता जी ने तो एक और प्रबंध कर रखा है, किसी भी भाई को अकेला भेजती ही नहीं, सबकी पत्नियों को साथ में भेजती है, जिससे कोई फिसले भी तो पकड़ के खींच ले, इधर आ जा, कहां जा रहा है। हां ये इंतजाम बढ़िया है महाराज। नहीं तो आदमी ना थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है, ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, पता नहीं कहां किसको बहका के। कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। वो राजस्थानी में भजन गाते हैं ना, मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा थन, कई विधि समझाऊं। मनड़ा थारे मत चलो तो मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे रे मन मारा थन, कई विधि समझाऊं रे मन मारा समझ। वो भजन गाने लगूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मन में जो उठता है ना, आदमी उधर ही चल देता है। मन ने कहा गोलगप्पे खा, तो आदमी सड़क पे खड़े होके खा रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर ले, तू खाते पीते घर का है, सड़क पर ये क्या। ऐसे हाइजीन हाइजीन पुकारते रहते। मैंने महाराज ये पैसे वालों को सबसे ज्यादा सड़क के किनारे धूल धक्कड़ भरे वो गोलगप्पे खाते देखा। कुछ तो बाबा ही लोग खाने लग जाते समोसे पकोड़े सड़क के। ये 2 इंच की रसना और 2 इंच की वासना, ये 2 जिसने जीत ली वो दुनिया जीत लेगा। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवसु दुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। जिसको ब्रह्म दृष्टि उपलब्ध नहीं होगी वो आदमी कभी भी बहक सकता है। ये बहकने वाला तत्व आदमी में सबसे ज्यादा प्रबल होता है, सरफेस पर होता है। हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारी नेचर में, ह्यूमन नेचर में, उसको ह्यूमन वीकनेसेस भी कहते हैं, ह्यूमन एरर भी कहते हैं, कोई भी नाम बोल दो, मानवीय व्यक्तित्व में, हमारे इस अस्तित्व में सबसे ज्यादा ऊपरी सतह पर, सरफेस पर यदि कोई तत्व होता वो बहकने वाला, उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जो वृत्ति उठी, काम उठा तो काम ही, क्रोध उठा तो क्रोधी, लोभ उठा तो लोभी, मोह उठा तो मोही, अहंकार उठा तो अहंकारी, काम साहब ऐसे उठता आदमी, काम में अंधा हो जाता है कामांध, लोभ में अंधा हो जाता है लोभांध, लोभ अपापस्य कारणम,
त्रिविधम नरक से इदम द्वारम नाशम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। साहब बच के रहना, जब तक ये ब्रह्म दृष्टि नहीं उपलब्ध होगी तब तक बहकने की पूरी संभावना है। इसलिए तो लोग कहते हैं, बोले जब तक बेईमानी करने का मौका ना मिले ना तब तक आदमी ईमानदार बना रहता है। इसलिए योग और अध्यात्म की शरण में, सद्गुरु की सत्संग की शरण में, स्वाध्याय की शरण में, शास्त्र की शरण में आना जरूरी है। रोज अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या करो। ये मुसलमान मस्जिद में ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते हैं, लाख को इनको समझा ले, जो उनको समझ में आ रखे उनसे हटा नहीं सकता। वो अपनी मस्जिद में प्रोग्रामिंग करते हैं, ईसाई लोग अपनी चर्च में प्रोग्रामिंग करते हैं, या आतंकवादी नक्सलवादी अपने जंगलों में ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं। साहब आदमी आगे पीछे असला बांध के फिदाइन हो जाए कोई साधारण काम है? उसके लिए कितनी काउंसलिंग करनी पड़ती है। आदमी को जान सबसे प्यारी होती है, जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने आप को कुर्बान कर देता है कितनी काउंसलिंग करते होंगे। तो अपनी काउंसलिंग एक तो खुद किया करो, सुबह उठ करके क्या किया करो, सबसे पहले उठ करते धरती माता को प्रणाम किया करो ऐसे उठ के। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है। मेरे साथ बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव। मैं रोज अपनी प्रोग्रामिंग ऐसे ही करता हूँ ब्रेन की, सब अभी भी करता हूँ स्वामी जी। हाँ, रोज उठ के ऐसे धरती माता को प्रणाम करता हूँ, फिर भगवती माँ को प्रणाम करता हूँ, फिर जिस माँ ने, पहले हमारे यहाँ फल फ्रूट पे कुछ ज्यादा ही नाम रखते थे, जैसे इधर अंगूरी, मेरी माँ का नाम गुलाब देवी किसी का अंगूर, किसी का गुलाब, ओ एक मौसी थी उसका नाम गेंदा किसी का चमेली खुशबू आती रहती इन्हीं में से। फिर मातृ सत्ता को, भगवती माता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को प्रणाम करके, और अपने आप ही मन में संकल्प जागता है कि मुझे वही काम करना है जिससे मेरी भारत माता की सेवा हो, जिससे मेरी जगत माता वो जगत पिता, और जिस मां ने मुझे जन्म दिया और जिस ऋषि परंपरा का मैं उत्तराधिकारी हूं, मैं उनको प्रसन्नता दे सकूं, मैं वही काम करूंगा जो एक ईश्वर की संतान को शोभा देता है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान को शोभा देता है, उससे अलग एक पग भी जीवन में आगे नहीं धरूंगा। ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग करते ऐसे क्या करूं, सब उठते ही फिर वो दूसरा डायरेक्शन में मन जाता ही नहीं है, मन में कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। व्हाट इज द लाइफ, द साइकिल ऑफ थॉट इमोशंस एंड एक्शंस। जो आपके भीतर थॉट्स पैदा होते हैं वो आपके यहां इमोशंस पैदा कर देते हैं, और वो इमोशंस आपको एक्शन की डायरेक्शन देते हैं, और कुछ नहीं है लाइफ, थॉट्स इमोशंस एंड एक्शन। राइट थॉट्स राइट इमोशंस राइट एक्शंस, रॉन्ग थॉट्स रॉन्ग इमोशंस रॉन्ग एक्शंस रिएक्शंस इन एक्शंस, पूरी जिंदगी की साइकिल गड़बड़ हो गई, फिर गई भैंस पानी में। यहां पहाड़ में आते हो ना, जरा सी इधर उधर गाड़ी गई, फिर पता नहीं कहां जा करके मिलेगा, शायद अवशेष भी मिल जाए तो गनीमत है, नहीं तो अवशेष भी नहीं मिल पाते साहब। इसलिए सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन घटती रहती है रोज। मुझे ये नहीं पता मुझे आज कहना क्या था, मैं तो ऐसे ही शुरू कर दिया महाराज। यहां ना कोई परिवार है ना कारोबार है, और फोन की कनेक्टिविटी भी नहीं है। कैरी ऑन चालू रखे, चलते रहो महाराज। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझे देखता है, सर्वत्र मुझे देखता है, मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता। तो भगवान हमारे सदा हमारे साथ उपस्थित है, इसका अभ्यास करो, सब में भगवान को देखा करो। कुछ बाबा जी दिखता ही नहीं, अरे देखो ना जरा अंदर तक देखो, अंदर तक
ऊपर से चमड़ी दिखेगी, फिर इसके अंदर सेल्स हैं, उस सेल का स्ट्रक्चर दिखा, उसमें उसमें जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए। मैं तो एक एक सेल को देखता हूँ, मैं तो शरीर विज्ञानी भी हूँ ना, चिकित्सक भी हूँ, मैंने वेदा साइंस को भी पढ़ा है और मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी पढ़ा है। तो एक एक सेल को देखता हूँ तो भगवान दिखता है, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू यूनिवर्स। मुझे पिंड में सारा ब्रह्मांड दिखता है। मैं रोज ये, मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े, बीच बीच में आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, लेकिन ये दिख रहा है प्रत्यक्ष, क्यों प्रमाण, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, मैं महाराज यूके चला गया 2006 में, तो वहाँ टाइम्स जो अखबार है बड़ा बहुत, उसकी एक पत्रकार मिल गई, बोला आप किसी जवान लड़की को देख हो तो क्या दिखता है, मेरे का बहन दिखती है। बोल और छोटी देखते हो तो, मैंने कहा बेटी दिखती है। बोल और बहुत सुंदर दिखती है तो क्या देखते हैं, मैंने कहा और सुंदर दिखती है तो और अच्छी सुंदर बहन दिखती है। बोले और भी तो कोई होता है, मैंने कहा तेरे लिए होता होगा, मेरे लिए तो नहीं होता। बोल बड़ी उम्र के देखते हो तो क्या दिखते, मैंने मां दिखती है। बोले उस औरत के पीछे क्या दिखता है, मैंने कहा भगवती मां दिखती है। बोले तुम और कुछ नहीं दिखता, मैंने कहा वो कनेक्शन कट कर रखा है। ये पता नहीं क्या देखते हैं, ऊपर इसमें दुर्गंध आता रहता है। जब आदमी की विवेक की दृष्टि होती है ना तो बहुत हाइजीन में ध्यान रखता है, और जब पगला जाता है ना फिर कुछ नहीं दिखता। फिर तो उल्टा पुल्टा ही गाता है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। साहब मैंने ये गाना भी एक ना, मैं किसी गाड़ी में बैठा था तो मैंने सुन लिया, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा गाना। बोले बाबा जी गाना नहीं, ये तो फिल्मी पिक्चर का कुछ उल्टा पुल्टा है। तो मैंने कहा भाई तुमको कुछ दिखता होगा, हमको तो सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हमको तो सब में भगवान दिखता है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतो दरम दिवम यशक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये द्युलोक भगवान का सिर, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़, पृथ्वीलोक उसकी चरण है। चारों तरफ भगवान की और कोई है ही नहीं। कौन कहे तेरी महिमा, साहब हम आज कीर्तन करेंगे महाराज, हम भी कथा करने आए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, गाइए ओ कौन कहे तेरी महिमा, महाराज आप भी गाओ अच्छे लगते हैं। कौन कहे तेरी माया, ओ किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तू अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया।
सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो भाई, हमने तो ऐसे भगवान को समझा कि सब में भगवान को देखो, और ऐसे ही यही दृष्टि भागवत दृष्टि है, यही दृष्टि ब्रह्म दृष्टि दिव्य दृष्टि है, यही सच्ची सात्विक तात्विक दृष्टि है। इसके अलावा तो सब मायावी दृष्टि है भाई, जितना देखोगे उतना ही दुख पाओगे। तो आज ये एक तो ये दृष्टि लेके जाए, दो ही तो चीजें हैं आदमी, एक दृष्टि एक कृति। क्या है बोलो? एक दृष्टि, दूसरी दृष्टि ठीक हो जाए, कृति ठीक हो जाए तो बस उद्धार हो गया। उसी के लिए सारी कथा है, उसके लिए सारे प्रवचन है, उसके लिए सारे वेद हैं, सब शास्त्र हैं, उसी के लिए सारी जिंदगी है। भगवान करे आप सबको सम्यक दृष्टि मिले और सम्यक कृति हो। दृष्टि, भक्ति, कृति, मुक्ति, चार शब्दों में तो जीवन का सारा सार है। और अपने अनुभव को भी इसके साथ जोड़ के कहूं तो देखो भाई, हम बचपन से बहुत तार्किक रहे हैं, हर बारे में बहुत तर्क वितर्क, माने तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना किसी बात को मानना ही नहीं, किसी भी फील्ड में, चाहे वो योग है, चाहे मेडिसिन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रिलीजन है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, साइंटिफिक टेम्परामेंटर वो बचपन से रहा। लेकिन मैं कहता हूं तर्क का जो अंतिम शिखर है ना, वो फिर ब्रह्म की अनुभूति, वो जब ये आपने आप आपको धीरे 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 यही अनुभव में आएगा कि भगवान के सिवा और यहां कुछ भी नहीं है, सारा ज्ञान उसी से है, सारी संवेदनाएं उसी से हैं, ये प्रेम करुणा वात्सल्य जो हम एक दो चार पांच दस लोगों से प्रेम करते हैं, जब उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया तो सारी समष्टि से प्रेम हो जाता है। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, और इस सब को वेल्थ में कन्वर्ट करके अपने और जगत को सुखी बनाने का काम, ये क्या है? ये सब भगवान का अनुग्रह, अनुकंपा, आशीष है, कुछ नहीं है। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, और अपने भीतर जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया और बाहर जो डिफरेंट प्रकार के रिसोर्सेज, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करके खुद सुखी रहना, औरों को सुख बांटना, यही समृद्धि है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये सक्सेस है, ये विजडम है, कुछ भी बोल दो, ये डेवलपमेंट है। भगवत प्राप्ति से हमें सद्बुद्धि मिलती है। गायत्री मंत्र में हमने क्या प्रार्थना की? ओम भूर्भुवस्व प्रभु, तू प्राणों का आधार, तू सब सुखों का आधार, सब दुखों का विनाशक। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितु, तब तू सारे जगत का सृष्टा। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रभु, मैंने तेरा वरण किया है, भर्ग भस्म कर दो सारे क्लेश, सारे दुख, सब दर्द, सब अशुभ को। देवस्य धीमहि प्रभु, तेरे दिव्यता को, तेरे दिव्य ज्ञान को, तेरे दिव्य प्रेम को, तेरी दिव्य संवेदनाओं को, तेरी दिव्य कृति को, तेरी दिव्य भक्ति को धारण किए हुए मैं जीऊं प्रभु। देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात प्रभु, मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर चलाते रहना, सन्मार्ग पर चलाते रहना। भगवान से कभी कुछ न मांगना, बस एक ही बात मांगो, प्रभु मेरी बुद्धि ठीक रास्ते पर चलती रहे। और कुछ याचना करने की, प्रभु को भी सार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से याचना। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं, आराधना करूं मैं, साधना करूं।
महाराज आज भजन इतने कहां से याद आ गए, हम तो इतने गाते भी नहीं कहीं। आपको देख करके लगता हमको भी कथा करने का मन कर रहा है। आप सर्वज्ञ हैं, सब आता है। लेकिन महाराज हम अपना योग ही करते भी ठीक है। hey, सुनो, योग किया करो सुबह सुबह। देखो ऐसी बात नहीं बनेगी, हम तो योग वाले आदमी हैं ना, ये तो यहां देख के संघ का प्रभाव हो गया, दोष नहीं हुआ था। तो देखो देखो, अब हम आपको एक बात बताई पहले तो भगवान की। देखो, भगवान रहेगा तो आपके पीछे सारा संसार खड़ा होगा, और वो जब हाथ खींच लेगा तो शमशान में जाएगा सीधा। भगवान को कभी मत भूलना, उसको सबसे ऊपर रखना, फिर जो करोगे वो सब भगवान के आशीष बन जाएंगे। तो एक तो सुबह सुबह उठ के ये क्या करो, जोर से फूंक मारो। ए अतुल, जोर से फूंक मार। ये बीच बीच में मुटिया जाता है, इसकी ये बेली डांस करता है, फिर मोटा हो जाता है। एक तो ये दो मिनट किया करो, और जो ताकत ज्यादा हो ना तो जोर से किया करो। जोर से फूंक मारा करो, ज्यादा ताकत, बड़ा पसीना हो जाता है। इतनी गर्मी है, गर्मी बाहर नहीं, जिसकी भीतर की गर्मी खत्म हो जाती है तो रजाई ओढ़ने पर भी ठिठुरता है। अब हमको कितनी ठंड हो बद्रीनाथ के और गंगोत्री आदि में, हमको सर्दी लगती ही नहीं, क्योंकि भीतर हीटर जला रखा है।